गुड मॉर्निंग गाइज। ये इज द फर्स्ट डे, कल 8 अक्टूबर और अभी हो रहे हैं 6:45। तो मेरी नींद खुल गई थी 6 बजे के आसपास और तब से ही बेबी जगी हुई, ऐसे टुकुर 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 ऐसे देख रही है। और फिर अभी तो उसके मामा आए मिलने, ये भी सरप्राइज़ ही था हमारे लिए कि वो आ रहा है। उसके पेपर चल रहे थे, 2 दिन का गैप आया, आ गया। मनी कि मेरा मनी नहीं माना, जैसे ही फ़ोटो देखा मैं तो आ गया। और बस अभी अब जब वो एनेस्थीसिया का असर गया है तो मेरी स्टिच लाइन पेन कर रही है, दर्द हो रहा है, इधर उधर करवट लेते टाइम पे अब फील हो रहा है। कल रात को तो इतना फील नहीं हुआ, पूरा नशे में थी इंजेक्शन के, तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी मेरी तरफ से, अजीब सही हो रहा था। बाकी अभी मैं फेस रिवील नहीं करने वाली कि किसके, बस जेंडर बता दिया कि बेबी गर्ल है। बाकी फिर देखेंगे किस पे गई है, किस पे नहीं गई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अभी बस उसके मामू और पापा एंजॉय कर रहे हैं उसकी कंपनी। मदन लो चले गए घर पे, घर जाके खाने वाने की तैयारी जो भी है तो वो करेंगे। स्वेटिंग हो रही है, ऑयली हो रहा है, पता नहीं यार। बाकी बहुत बहुत शांत है बच्चा यार, टच वुड ना। कि उतना परेशान नहीं किया रात भर ना, तो अच्छा है। बस जब भी इसको भूख लगी बस थोड़ा सा मैं कुछ देते ही चुप होता है। तो अभी बस आई एम वेटिंग, 6:45 हो रहे हैं, 8-9 बजे तक ये लोग मुझे स्पंजपात देंगे। उसके बाद में चेंज वेंज करेंगे, फिर मैं शायद बैठ सकती हूँ, थोड़ा वॉक करवाएंगे, पर अभी तो बस ऐसे ही है। सबसे पहला मेहमान मिलने आया भाई, मामा आ गया, मामा। कितनी सुबह 6 बजे से जग रही है और ऐसे टुक। अब ठीक हो? हाँ, ठीक। करवट लेने के लिए बोला? हाँ, थोड़ा खुद से ले लो, हम लगा देंगे, थोड़ी हलचल होती रहेगी। दोनों की ट्रेनिंग चल रही है, दोनों को ही नहीं आता उठाना। और कि ऐसे लेते हैं ना। फाइनली नवरात्रा में हमारे घर पे देवी आ गई। यहाँ देखो एंजॉय कर रहे हैं दोनों। पापा बेटी कंपनी। मुझे तो लेना ही नहीं आता, मैं कैसे लूँ। हाँ, और फिर मतलब सारी चीजें लग रही थी कि लड़का होगा वो अल्ट्रासाउंड वाली फोटो देख के, लेकिन उसका तो 1% मैच नहीं है शक्ल से। इतनी सुंदर बेटी है मेरी। पिंकी जीती है हर बार। तो अभी सुबह खाने को अलाउ किया डॉक्टर ने, सुबह उठ के पानी पिया मैंने और फिर उसके बाद में अभी डायरेक्ट दूध नहीं पिलाना है एक्चुअली मुझे, तो इसलिए थोड़ा चाय पिया और बिस्किट खाया मैंने। फिर अभी बेबी का भी फर्स्ट बाथ होगा और मुझे भी स्पंज बाथ ऐसे दिया जाएगा। और वहाँ पे मेरा बेड एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली टर्न ऊंचा कर दिया मतलब, तो इसलिए बेबी वहाँ पे अलग से कॉट में सुला रखी है। तो अभी तक तो यही अपडेट है। बाकी सब लोग मिलने आने वाले हैं, सब लोग आने वाले हैं एक एक करके। तो देखो कब आते हैं, कब पहुंचते हैं। बाकी हमारी गुड़िया रानी अभी सो रही है। कल आएंगी इसकी बुआ, दीदी, मामा तो ऑलरेडी आ चुके हैं। दो छोटी छोटी दीदी आएगी इसकी। बाकी अभी तो बस वहाँ मामू बैठे हैं, इधर डैडी बैठे हैं, दादी गई। तो ये कैनोला के लिए बोल देना कि हटाना है। हाँ, मेरे तो दोनों हाथ में कैनोला लगा रखे हैं। दीदी ने बोला कि बांध के रखो। यार पहले ऐसा करो, बाल बांध दो मेरे। मैं कौन है? मम्मी का फ़ोन आ रहा है। अभी हो रहा है बेबी का फर्स्ट बाथ, जो कि हॉस्पिटल में होता है। तो अभी दीदी लेके जा रहे हैं उनको। मैं दिखाती हूँ, रिकॉर्ड करता है इस मोमेंट को भी। आए आए मेरा बच्चा रो रहा है। वही है वो तो। कर दिया बंद। ये देखो, डैडू ऑन ड्यूटी। डैडू ऑन ड्यूटी, डैडू ऑन ड्यूटी। जला दो बस। अब अगेन शाम को ड्रिप और लगी है एक मेरे, और हमारा हाँ मतलब एंटीबायोटिक ड्रिप है। बाकी जो है बेबी अभी सो गई है। बस काफ़ी देर से मैं लेके उसको गोद में बैठी हुई थी, तो फिर मैंने कहा बहुत देर हो गई, मुझे भी स्टिचेस में पेन होने लग जाएगा, तो इस वजह से मैं भी लेट गई हूँ। मनीष की प्रैक्टिस बिल्कुल जारी है, गोद में लेने की, एक्सपेरिमेंट्स करने की। बस। तो कैसा फील हो रहा है डैडू? मजा आ रहा है। अभी तो मजा आ रहा है। मजा परेशान नहीं कर रही ना, मैं परेशान कर रहा हूँ उसको। बाद परेशान कर रही। फील कैसी आ रही तुम्हें? बता नहीं सकता है। इतनी है। इतनी सुंदर। मैम बोली कि तेरे पे तो नहीं गई। मैम? मैम ने फोटो देख लिया। कि तेरे पे तो नहीं गई। दोनों की मिक्स है शक्ल वकल ना, ऐसे लग रहा है। और पता मतलब एक फोटो थी, उसमें मैंने उसको अपनी फिंगर दे रखी है। अब उसमें मैं इतनी काली लग रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यार मेरा हाथ इतना काला लग रहा था उसमें। मेरे को लग रहा था कि यार ये मतलब मेरी बेटी है ये। वो देखो, वो पिंक में ऐसे रैप होके उस कॉट में सुलाया हुआ है। अभी जस्ट इन्होंने सुलाया है, और 2 मिनट उसको टिकने नहीं देते उसमें। फिर उठा लेंगे, मन नहीं मानता, फिर सुला देंगे। जो आता है उठा लेंगे, दादी छोड़ती नहीं है। हाँ। बाकी बस जो है डिस्चार्ज होगा परसों, यानी कि मंडे। 3 दिन के बाद डिस्चार्ज देते, तो कल रात को ही हुई है, तो इसलिए फिर मंडे डिस्चार्ज देंगे। हम लोग सोचे शायद कल दे देंगे, बट ठीक है, जितना दिन यहाँ स्पेंड हो तो फिर अच्छा है। हॉस्पिटल में, घर पे उतनी ज़्यादा केयर हो नहीं पाएगी, तो बस यही है। बाकी तो आई एम ऑल एक्साइटेड कि यार पेन्स हो रहे हैं, लेकिन हाँ स्टिचेस के पेन हो रहे हैं, बट हाँ वही होता है ना कि बेबी को देख के सारे पेन्स ख़त्म हो जाते हैं। इतनी क्यूट सी बिटिया है हमारी। थू 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 ऐसे मज़ा आ गया। मतलब लड़की हो गई ना, तो मेरा तो ऐसे हो गया है ना। नाम भी रखा है। हाँ देखो, मतलब अकेले अकेले नाम सोच लिया इन्होंने, और मुझे आके बोल रहे कि सुबह मैं वो क्या कहते हैं रख लिया था। हाँ, कि सुबह डायरेक्ट बोल रहे मेरे को कि अच्छा ये नाम रखेंगे, और इसका मीनिंग ये होता है, और ये नाम रखेंगे। फिर मेरे को भी नाम इतना अच्छा लगा, अभी नहीं बताना है ना। तो वही है कि नाम हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी कहते महिमा भी अच्छा नाम है। मैंने कहा महिमा पुराना हो गया, महिमा चौधरी बहुत पुरानी हो गई। तो हम नया नाम रखेंगे जो डैडू की पसंद का है और मुझे भी वो पसंद आ गया, तो बस वो नाम रखेंगे। भैया को भी अच्छा लगा। हाँ भैया को मतलब अच्छा नाम है तो सबको बताओ तो अच्छे ही लगते हैं। और माता जी का भी है। हाँ तो अच्छा है, बस सोच लिया वही नाम फाइनल हो गया। निकनेम तो वही रहेगा चाहे कुंडली में जो भी है। हाँ निकनेम क्या मतलब नॉर्मली वैसे भी तो शॉर्ट नेम भी और प्यारा सा भी है, ये चीज़ है बस। बाकी आज डे वन तो शाम हो गई है, ऑलमोस्ट 5:45 हो गया है और टचवुड बेबी जो है उतना परेशान नहीं कर रही है यार, मतलब बिल्कुल ही नहीं कर रही है। मतलब बस ऐसे होता है जब उसको फीड लेना होता है तब उठती है बस, और फिर नहीं मतलब बस सोती भी नहीं रहती पर हाँ तब रोती है थोड़ा, उसके बाद चुप हो जाती है, फिर ऐसे टमक 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 करके ऐसे देखती रहती है। तो अच्छा मतलब ठीक है अभी तक तो नहीं है, बाकी देखते हैं। राउंड पे सारे डॉक्टर्स वगैरह आ ही रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, हॉस्पिटल में भी तो अच्छा सब चल रहा है। आई एम फीलिंग गुड नाउ, मॉमी वाली फील। और उधर उनको आ रही है डैडी वाली फील, आ रही है ना? हाँ सरप्राइज़ दे दिया हमारे बच्चे ने हमें, सरप्राइज़ बिल्कुल सरप्राइज़। ये सब मैं रिवील करूँगी, मतलब ये सब मैं बताऊँगी किसी डिफरेंट वीडियो में कि कैसे इतना अचानक से सब कुछ हो गया। कल तो मैं इस टाइम पे ऐसे रो ही रही थी, 5:45 बजे है ना। हाँ मैं मतलब ऐसे हो रहा था अजीब सही। तो चलो बस आज डे वन तो एंड हो गया तो व्लॉग भी एंड कर देते हैं। क्या क्या हुआ इस व्लॉग में वो आपने देखा ही। डे वन में बेबी का बाथ हुआ, फर्स्ट बाथ, बेबी का फर्स्ट बाथ हुआ, फिर बेबी से और ज़्यादा इंट्रैक्शंस हुए हमारे बहुत सारे। और बीच में यार भैया भाभी मिलने आए थे जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, मेरे को उस टाइम पे ध्यान ही नहीं आया कि मैं उसकी क्लिप कैप्चर कर लूँ तो वो मिस हो गया मेरे से, पर कोई बात नहीं वो तो कभी भी आ जाएंगे, घर पे भी आएंगे मिलने तो घर पे भी बुलाएंगे उनको। बाकी जब डिस्चार्ज होगा तो फिर उस दिन तो आ ही जाएंगे, तो फिर मैं कभी और क्लिप ऐड कर दूंगी। बस मेरा बच्चा सो रहा है। अब चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल देखते हैं कल का डे 2 कैसा स्पेंड होता है। बाकी तो फिर डे 3 को जब घर पे जाएंगे तो फिर वेलकम वाला पार्ट है तो देखते हैं। और कल का दिन, हाँ कल तो बहुत सारे लोग मिलने आने वाले हैं। बेबी और मम्मा की डेट ऑफ बर्थ सेम है। हाँ बस मंथ अलग है। हाँ 8 ये देखो। और हमने ना ऐसे शिल्पा की भी डेट सेम है, शिल्पा की डेट ऑफ बर्थ मंथ भी सेम उसका तो 8 अक्टूबर, तो कल शिल्पा का भी बर्थडे था। एल अपनी बुआ के साथ ऑलरेडी बर्थडे मैच कर लिया मैडम ने हमारी। वैसे 7 को होता तो मेरा होता, 8 का तुम्हारा है, 9 का भी बुआ जी का है। हाँ पर हमने सोचा कि चलो 9 को कर लेते हैं, लेकिन इसको मम्मा की डेट के दिन ही आना था भाई। तो कैसे भी करके हाथ तो 8 तारीख प्री डिसाइड भी थी। हाँ प्री डिसाइडेड थी, पहले था कि 8 को करवाएंगे, फिर 8 से हट के हमारा 9 पे हो गया, लेकिन फिर 9 से 10 भी हुआ था। 9 से 10 भी हुआ था, 10 को पॉसिबल नहीं हुआ और 9 हमारी मैम को चाहिए नहीं था तो बस इनको 8 को आना था तो ये 8 को आ गई। बस यही है। अभी स्टिच लाइन में पेन है पर ठीक है, बेयरेबल है उतना। जब उठती बैठती हो तो बहुत दर्द करता है यार, बिना सपोर्ट के नहीं उठा जाता। और कल का दिन भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग मिलने आने वाले हैं तो बस कल का दिन भी रिकॉर्ड करेंगे, डे 2 इन हॉस्पिटल। चलो अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय 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 डैडू, बाय बाय। अब तो इनका नया नाम पड़ गया डैडू मम्मा। बाय बाय।